रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अम्बियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता कल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मैंने कुछ बातें अर्ज़ की थी और आज भी उन्हीं के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब से आपने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है कि आपके इस्लाम की वजह से इस्लाम को तक़वियत पहुँची, आपने हिजरत की तो मुसलमानों को मदद मिली और आपकी खिलाफत में अल्लाह की रहमतें हासिल हुई। आपने तमाम गज़वात में शिरकत फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बद्र के ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि बद्र में भी आस इब्ने हिशाम जो आपका मामू था उसे कत्ल किया। जंग उहद में आप साबित कदम रहे, सरकार के साथ साथ रहे और इसके अलावा भी जितने गज़वात हुए, जंग खंदक हो या उसके बाद फ़तेह मक्का है, सुलह हुदैबिया का मौका, ये सारे मौक़े में अल्लाह के रसूल के साथ रहे। जंग हुनैन, जंग तबूक वगैरह सब में सरकार के साथ रहे और जब जब भी जंगें हुई हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी शुजाअत व दिलेरी के साथ, जुरतमंदी के साथ हर जंग में हिस्सा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतखाब से हुई है। बात ये हुई कि सरकार की वफ़ात के बाद कबीले बनु सक़ीफ़ यानी कि सक़ीफ़े बनु साइदा, एक मोहल्ला है सक़ीफ़ा बनु साइदा, वहाँ पर अंसार जमा हुए थे और अंसार के नाम पर यानी अंसार थे तो उनमें कुछ मुनाफिकीन भी थे, है ना। अब्दुल्लाह इब्न उबे बिन सलूल ये भी अंसार में शुमार किया जाता था, उसके जो साथी थे वो भी अंसार में शुमार किए जाते थे। बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन अंदर से मुनाफिक थे। हालांकि अब्दुल्लाह इब्न उबे बिन सलूल तो मर चुका था लेकिन उसके साथी, उसके मानने वाले कुछ लोग थे, तो इस तरह के मुनाफिकीन जो हैं वो भी शरीक थे। तो अंसार इस बात पर यानी बहस कर रहे थे और बात ये यानी राय मशवरा चल रहा था कि अब सरकार के बाद भाई कोई ना कोई सरदार बनेगा, सरकार की वफ़ात के बाद अब कोई सरदार बनेगा। तो होना यह चाहिए कि एक कुरैश में से यानी कि मुहाजिरीन में से एक सरदार हो और एक सरदार हम अंसार में से हो, यानी कि दो सरदार हों। हालांकि ये कहावत बड़ी मशहूर है कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एकदम सीधी सादी बात है, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन उन्होंने उस वक्त यानी ये सोचा कि भाई एक सरदार हमारा होगा, एक सरदार मुहाजिरीन का होगा, दो सरदार अपने अपने सरदार होंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक तक ये बात पहुँची। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर कहा कि अबू बकर चलिए ना, चलते हैं सक़ीफ़ा बनु साइदा में, वहाँ पर कुछ मसला चल रहा है। हाँ, वो लोग जो है खिलाफत के मुद्दाई यानी कि दावा कर रहे हैं और ख़िलाफ़त के हकदार बनना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर चले। जब वहाँ पहुँचे तो ये सारी बहसें चल रही थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर पहले खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर की। अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर दोनों ने मिलकर अपनी अपनी तकरीर की और उन्हें समझाया कि देखें ये बात आप जो है ना जहन में बिठा लें कि अंसार में खिलाफत नहीं आ सकती। पहली बात यह है, इसलिए कि सरकार की हदीस मुबारका कि खिलाफत तो सिर्फ कुरैश में होगी, सिर्फ मुहाजिरीन में भी नहीं, मुहाजिर में से भी हर कोई नहीं, सिर्फ कुरैश। तो खिलाफत तो सिर्फ कुरैश में होगी, अंसार का तो हिस्सा नहीं है। अंसार का हिस्सा मदद करने में है, अंसार का काम है ना, जो खलीफा हो उसकी मदद करना। तुमने अल्लाह के रसूल की मदद की, इसी तरह अब जो भी खलीफा बनेगा कुरैश में से तुम्हें उसकी भी मदद करनी है, तुम्हें उसके भी साथ खड़े रहना, ये तुम्हारा काम है। तो पहला ये यानी कि बात अपने जहन में बिठा लो। उन्हें याद आ गया कि बात सही है, सरकार के हदीस मुबारक सरकार ने फरमाया और सरकार ने अंसार को सब्र की भी तलकीन फरमाई। एक मौके पर, एक क्या कई मौक़े पर, दो तीन मरतबा आपने अंसार के दरमियान तकरीर फरमाते हुए, ख़ास अंसार की मजलिस में तकरीर फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद बहुत से हुकूमत के दावेदार होंगे और ए अंसार तुम्हें पीछे धकेला जाएगा, ए अंसार सब्र करना। अंसार तुम सब्र करना यहाँ तक कि तुम हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करो। तो सरकार ने यानी कि यूँ सब्र की तलकीन भी फरमाई थी और ये भी फरमा दिया था कि सरदार तो खिलाफत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कुरैश में होगी, इमाम तो सिर्फ कुरैश से होंगे, कोई और कबीले से इमाम नहीं हो सकता, खलीफा नहीं हो सकता। तो बहरहाल उस पर अंसार खामोश हो गया, क्या ठीक है भाई खलीफा तो हम नहीं हो सकते, ठीक है आप बताएं कि किसको खलीफा मुंतखब करना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यानी फरमाया कि भाई हैं उमर भी हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी, ये सारे लोग हैं, आप किसी को भी खलीफा बना लें, सारे के सारे काबिल लोग हैं, सारे के सारे जल्लुल क़द्र सहाबा में से आप किसी को भी बना लें। और सब अशरे मुबशरा में से हज़रत उमर भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी हैं, सब अशरे मुबशरा में से भी हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जल्दी से खड़े हुए, आगे बढ़े, आगे बढ़कर जो है आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा, कहा कि मैंने आपके हाथ पर बैत की, मैंने आपके हाथ पर बैत की। तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू उबैदा और फिर सारे लोग आगे बढ़ते गए, एक एक करके जितने वहाँ थे सब ने कहा कि हमने आपके हाथ पर बैत की और सब राज़ी आपके खलीफा होने पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस तरह खलीफा बना लिए गए, चुन लिए गए। तो हज़रत उमर फारूक ने सबसे पहले ये कदम बढ़ाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनाया। आप की 2.5 साल की यानी कि हुकूमत खिलाफत रही और उस 2.5 साल की खिलाफत में भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा हर कदम पर सिद्दीक़ अकबर के साथ रहे, हर कदम पर सिद्दीक़ अकबर के साथ शाना ब शाना, यानी कि कोई काम ऐसा नहीं जिसमें हज़रत उमर शामिल ना हो। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक सर का इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत उमर की ज़ुबान और दिल पर हक़ जारी फरमा दिया है, हज़रत उमर की ज़ुबान पर भी हक़ और आपके दिल में भी हक़, इसलिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब जब भी कोई बात कही है अल्लाह ने बिल्कुल हज़रत उमर के मुताबिक फ़ैसला फरमाया। असहाबे यानी कि जंग बद्र के क़ैदियों के ताल्लुक़ से अबू बकर सिद्दीक़ की राय ये थी कि फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, बहुत से सहाबा की राय ये थी कि फ़िदिया लिया जाए, माल लिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसलिए कि मदीने के मुसलमान अभी ग़ुरबत में हैं, कमज़ोर हैं, तो माल आएगा थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो माल लेकर छोड़ दिया जाए। और ये लोग यानी अबू बकर सिद्दीक़ रहम दिल भी हैं, नरम दिल भी हैं, रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, तो ये फ़ैसला किया कि भाई माल लेकर छोड़ दिया जाए, अपने ही तो हैं, हो सकता है अल्लाह उन्हें भी इस्लाम यानी तौफ़ीक दे दे, हिदायत दे दे, वो भी इस्लाम ले आए। तो हज़रत उमर और एक हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्ला, ये ऐसे लोग थे। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मेरा मशवरा तो ये है हर कोई अपना अपना रिश्तेदार ले और कत्ल करे, जिसका जो रिश्तेदार हो। आप या रसूलल्लाह आपका जो रिश्तेदार है कैदी, जैसे अब्बास आपके रिश्तेदार हैं, आप अब्बास को कत्ल कीजिए, मेरा रिश्तेदार जो होगा मैं उसे कत्ल करूंगा, अबू बकर का रिश्तेदार अबू बकर उसे कत्ल करें, जिसका जो रिश्तेदार हो वो उसे कत्ल कर दे, ये मेरा मशवरा है। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक़ के मशवरे को पसंद किया, उस पर अमल किया, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, रब फरमा यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उमर का फ़ैसला ना वो सही था, नबी के लिए मुनासिब नहीं है, नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि अगर उनके हाथ में कैदी आए, कुफार मुशरिकीन कैदी आए तो फिर उन्हें माल लेकर छोड़ दिया जाए, नहीं, हाथ में कैदी आए तो कत्ल ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये कि अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ैसले में बरकतें वो है कि फ़िदिया लेकर छोड़ा है, तभी तो हज़रत अब्बास मुसलमान हुए हैं, तभी हज़रत अब्बास मुसलमान हुए, वलीद इब्ने वलीद जो ख़ालिद इब्ने वलीद के भाई हैं वो मुसलमान हुए। उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं सहाबाए किराम के जो इस्लाम के दामन में आए हैं, ऐसे बहुत से हैं। बहरहाल लेकिन कहने की बात यह कि हज़रत उमर के फ़ैसले को अल्लाह ने पसंद फरमाया। इसी तरह से आयत हिजाब हज़रत उमर के यानी कि कहने के मुताबिक नाज़िल हुई। हज़रत उमर हमेशा आकर कहते थे या रसूलल्लाह आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए कि पर्दा करें, या रसूलल्लाह आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए कि पर्दा करें। सरकार फरमाते हैं मैं खुद से नहीं कहता, अल्लाह जब तक हुक्म न दे मैं ख़ुद से कोई हुक्म नाफिज नहीं करता, मैं तो अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। हज़रत उमर को बहुत यानी कि नागवार गुजरता था, बड़ा नापसंद था कि अज़वाज मुतअहहरात पर्दा नहीं करती थी, तो आप हमेशा अर्ज़ करते रहते थे। एक दिन तो यानी इतना ज़्यादा यानी ये हद हुई कि यानी कि रात के वक्त मगरिब के बाद अंधेरा छा गया था और वैसे में हज़रत सौदा बिन्त ज़ुमा जो सरकार की ज़ौज मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन है वो निकली ज़रूरत के लिए, क़ज़ा हाजत के लिए, और वो जा रही थी, बिल्कुल चादर में लिपटी हुई थी और जा रही थी, लेकिन हाइट लंबी थी तो पहचान ली गई यानी पहचानी जाती थी। तो हज़रत उमर ने पीछे से आवाज़ लगाई, ए हफ्सा ए सौदा तुम पहचान ली गई हो। यानी अंधेरे में भी तुम पहचानी जाती हो तो पर्दे में रहा करो, पर्दा किया करो। ये यानी कि हज़रत उमर इतना शौक़ था। जब ये बात ये वाक़या हुआ उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हिजाब नाज़िल फरमाया, महबूब आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो पर्दा करें, है ना। तो फिर पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। इसी तरह एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को हाथ पकड़कर हरम काबा में ले गए, खाने काबा के पास मकाम इब्राहिम दिखाया, फरमाया ए उमर देखो ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाम इब्राहिम है। तो हज़रत उमर की ज़बान से निकला अलम नत्तखिज़ में मकाम इब्राहिम मुसल्ला, या रसूलल्लाह क्या हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला यानी कि नमाज जाए नमाज ना बना लें, उसके सामने हम नमाज पढ़ें। तो अल्लाह ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए लोगो तुम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो, नमाज जाए नमाज बना लो, यानी उसके पास दो रकात पढ़नी है। आज भी ये राइज है ना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसले के मुताबिक और आपकी ज़ुबान पर जो बात ऐसी, यानी ये तो मैंने दो तीन बातें आपको एक फॉर एग्जांपल दी है, आप किताबों में पढ़ेंगे तो कई ऐसी बातें यानी कि 32-36 बातें ऐसी बयान की जाती है जो हज़रत उमर ने कहा और अल्लाह ने उसी के मुताबिक फ़ैसला फरमाया, उसी के मुताबिक हुआ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है की ज़ुबान पर और आपके दिल पर हक़ जारी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हमेशा आप शाना बशाना खड़े रहे, किसी फ़ैसले में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नहीं, हमेशा साथ में आपके खड़े रहे। और यानी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में आपने आपका साथ दिया और सिद्दीक़ अकबर ने देख लिया अपनी खिलाफत में कि वाकई मेरे बाद अगर कोई खिलाफत का हकदार है तो वो उमर है। सरकार ने फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी हो तो उमर हो, सिद्दीक़ अकबर ने ये जान लिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा हो सकता है तो वो उमर है। तो आपने जो है ना लोगों से, जो असहाबे राय थे, जो बड़े बड़े सहाबा थे, उनसे मशवरा किया और कहा कि मेरी राय यह है कि मैं उमर को अपने बाद यानी वसीयत कर दूं कि मेरे बाद खलीफा वो हों। तो कुछ ने थोड़ी सी आवाज़ भी उठाई कि वो तो बड़े सख्त हैं, उनका दिमाग तो बड़ा सख्त है, अगर वो खलीफा हो गए, हाकिम बादशाह यानी बना दिए गए, अमीर बना दिए गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की हालत ख़राब हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, कहीं ऐसा तो ना हो। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा घबराओ मत, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नरम मिजाज थे, मैं भी नरम मिजाज था, तो उमर की सख्ती मिलकर मुतवाज़िन यानी कि एतदाल पैदा करती थी, है ना, मामले को दरमियान का कर देती थी, बिल्कुल नरम भी नहीं बहुत सख्त भी नहीं। हमारी नरमी, मेरी नरमी, उमर की सख्ती, दोनों मिलकर काम चल जाता था। लेकिन जब उमर पर जिम्मेदारी आएगी तो उमर की सख्ती उसकी नरमी दोनों मिल जाएगी, फिर उमर में भी वो सख्ती बाकी नहीं रहेगी। और फिर दुनिया ने देखा कि हज़रत उमर फारूक जब यानी कि खलीफा बने हैं तो फिर आप नरम पड़ गए, फिर नरम पड़ गए, कितने नरम पड़ गए कि आप एक दिन तकरीर कर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते यानी कि खुतबे के लिए खड़े हुए मिंबर पर, अब खुतबा शुरू कर रहे हैं कि एक आदमी खड़ा हो गया, एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर वो कहता है उमर हम तुम्हारा खुतबा तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप ये हिसाब ना दो, ये ना बताओ कि आपने जो ये कपड़े ये लिबास पहना है ना आपके पास कहाँ से आया, माले गनीमत में से यानी जो वजीफ़ा मिलता है ना उसमें तो आपको इतना कपड़ा नहीं मिला था, उसमें कम कपड़ा मिला था, दिख रहा है ज़्यादा, आया कहाँ से, माल यानी बैतुल माल में से मार लिया, गसब के लिए हिसाब दो पहले, जब तक हिसाब नहीं दोगे हम हाँ तुम्हारा खुतबा नहीं सुनने वाले। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई मैं क्यों जवाब दूँ, है ना, मेरा बेटा जवाब देगा, मैं क्यों दूँ, मेरा बेटा जवाब देगा, है ना, इस मजमे में मेरा बेटा भी मौजूद है, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, कहाँ अब्दुल्लाह, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर खड़े हुए, हाँ बेटा तुम बताओ मेरे पास ये कपड़ा कहाँ से आया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जवाब दिया, आप फरमाते ए लोगों सुनो मेरे वालिद को बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो बहुत छोटा था, बहुत कम था, उसमें पूरा यानी कि पूरा ड्रेस नहीं बन सकता था, और मेरे वालिद का जो पुराना लिबास था वो बहुत खस्ता, बहुत पुराना बोसीदा, बिल्कुल 17 पेवंद लगे हुए थे, टाट के और चमड़े के 17 पेवंद लगे, वो बहुत खस्ता हो चुका था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपना कपड़ा जो मुझे मिला था ना मैंने अपना कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया, तो दोनों यानी वालिद का कपड़ा और मेरा कपड़ा मिलाकर इनका एक जोड़ा बना है, ये मिलाकर बना है ना। तो हद उमर ने कहा सुन लिया मैंने, हाँ बैतुल माल से लिया नहीं है, मुझे जितना मिला मैंने उतना ही लिया है ना, हाँ ये मेरे बेटे ने मुझे दिया तो मैंने अपना जोड़ा सिलवा लिया। हद उमर खलीफा थे लेकिन अपने लिए बैतुल माल से जो आपने वजीफ़ा मुतय्यन किया था वो तमाम मुसलमानों के जितने वजीफ़े मुतय्यन थे सब में कम वजीफ़ा हद उमर ने अपने लिए मुतय्यन किया था, बहुत मुख्तसर। और आप अपने लिए कपड़ा भी जो है ना दो, एक ठंडी के लिए और एक गर्मी के लिए, बस दो कपड़े लेते थे और बस उसी को उसी पर गुजारा होता था, उससे ज़्यादा आपने कभी बैतुल माल से लिया नहीं। यहाँ तक कि आप जहाँ भी यानी आपके ज़माने में आपके दौरे हुकूमत में 3600 यानी कि शहर फतह हुए हैं, 3600 इलाके फतह हुए हैं और आपके यानी कि ज़माने में 900 जामे मसाजिद बनाएंगी, यानी जुमा मस्जिद जो आलीशान बड़ी बड़ी थी ऐसी 900 मस्जिदें तामीर की गई और आम मस्जिदें 4000 तकरीबन बनाई गई। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बड़ी फतूहात हुई, बड़ा माल गनीमत भी हासिल हुआ, ईरान, रोम, ईरान, इराक़ और ये सारे इलाके यानी कि सब फतह हुए और इस्लामी हुकूमत में आए। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी अपने किसी गवर्नर को हाकिम यानी किसी सहाबी को या किसी भी शख्स को हाकिम बनाकर भेजते तो आप साथ में उसे हुक्मनामा भी लिख कर दे देते, उसमें यानी शराइत होती थी, उसमें हुक्म होता था कि आपको क्या करना है। तो उसमें ये शर्तें होती कि मैं तुम्हें हाकिम बनाकर भेज रहा हूँ, याद रखना ये मेरा हुक्म है, याद रखना पतला बारीक कपड़ा कभी मत पहनना, हमेशा खुरदुरा मोटा कपड़ा पहनना, हमेशा मोटा और खुरदुरा कपड़ा है ना, यानी टाट जैसा कपड़ा वो हमेशा पहनना, बारीक कपड़ा कभी मत पहनना, छने हुए आटे की रोटी कभी मत खाना। यानी जिस दिन शिकायत मिली ना कि छने हुए आटे की रोटी खाते उस दिन गए काम से, हाँ उस दिन हिसाब देने के लिए तैयार रहना। तो छने हुए आटे की रोटी मत खाना, अपने घर का दरवाज़ा कभी बंद मत करना, अपने घर के बाहर किसी दरबान को खड़ा मत करना है ना, लोगों के लिए यानी हमेशा लोगों के लिए फरियाद सुनने के लिए तैयार रहना, वो 24 घंटा तुम उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए जब भी वो आए। यानी दरबान हो तो फिर आजकल यानी दरबान तो नहीं होते लेकिन फिर भी लोग दरबान बन जाते हैं, दरबान होते नहीं हैं लेकिन लोग दरबान बन जाते हैं। कैसे? यानी कि आपने देखा होगा पीरों के यहाँ क्या हाल होता है कि कुछ ख़ास लोग होते हैं जो दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, पीर साहब अंदर हैं, चाहे वो बैठे हों, सोए हों, आराम में हों कि काम कुछ भी हों, वो आराम ना भी कर रहे हों तब भी वो बाहर जो दो चार खड़े हैं ना वो आपको यही कहकर भगा देंगे हज़रत अभी आराम में, हज़रत अभी आराम में। तो ये यानी कि बगैर दरबान बनाए दरबान बन जाते हैं। हमारे औलमा मशाइख नहीं बनाते कि भाई तू दरवाजे पर खड़ा रहे और तू आने वालों को रोकते रहना, नहीं ये खुद ही बने हुए हैं और वो रोक लेते हैं, जाने नहीं देते आवाम को। हज़रत उमर फारूक का बिल्कुल सख्ती से ये हुक्म होता कि तुम अपने घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करोगे, दरवाजे पर कोई दरबान नहीं रखोगे, आवाम जब भी चाहे तुमसे कांटेक्ट कर सकती है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तरह की यानी कि वसीयतें और नसीहतें होती थी अपने हुक्काम को। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐसा रौब व जलाल और आप ऐसे यानी कि जुरतमंद कि शैतान भी आपसे कांपता था, शैतान भी आपसे डरता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ए उमर, शैतान यानी तुम जिस रास्ते पर चलते हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, शैतान भी तुमसे डरता है, वो भी तुमसे दूर भागता है। तो हज़रत उमर की ये यानी कि शान जलालत थी, ऐसा जलाल था। लेकिन जैसे ही हाकिम बने हैं तो फिर आपने अपने पहले खुतबे में इरशाद फरमाया था कि ए लोगों याद रखना कि जो हाकिम होता है, जो अमीर बनता है, कौम का अमीर बनता है, वो कौम का खादिम बन जाता है। जो कौम का अमीर बनता है वो कौम का खादिम बन जाता है। अमीर का मतलब ये नहीं कि आराम करो, अमीर का मतलब ये है कि काम करो, अमीर का मतलब ये है कि काम करो। यानी आपको अगर हाकिम बनाया गया, भाई ये कम्युनिटी है, ये कौम है, ये जमात है, आप इसके हाकिम, आप इसके अमीर। तो अमीर जमात जो होगा या अमीर कौम जो होगा, अब उसकी जिम्मेदारी है कि सबका ख्याल रखे, है ना। तो अब यानी ये होगा कि भाई कोई कमज़ोर सा है, आदमी कमज़ोर है या बूढ़ा है और उसका सामान थोड़ा वज़नी है, तो अमीर की ज़िम्मेदारी है कि उसका सामान भी उठा ले ये अमीर की ज़िम्मेदारी कि उसका सामान भी उठा ले। खाने का वक्त और सब ने खाया कि नहीं, सब कोई भूखा तो नहीं, किसी तो खुद भूखा रहे लेकिन दूसरे को खिला दे, ये अमीर की ज़िम्मेदारी है। होता ये है, आजकल के ज़माने में होता ये है कि जो अमीर बन गया, जिसे कौम का अमीर बना दिया गया, वो समझता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल आराम से हाँ सारे अहकाम यानी हुक्म चला सकता हूँ। तो अब अमीर का हाल ये, हमारे ज़माने के अमीरों का हाल ये होता है कि लोगों ने खाया कि नहीं खाया उसकी फ़िक्र नहीं है, पहले भाई हमारा अलग पहले कर, हाँ पहले अपना हिस्सा अलग करेंगे फिर बाँटो, अगर कोई रह भी गया भाई यहाँ ख़त्म हो गया, अब क्या करें, ख़त्म हो गया, वो जो रखा है वो नहीं निकालना है, हाँ अपना पहले से रख लिया। खिदमत दूसरों की यानी कौम की खिदमत करना नहीं बल्कि अपनी खिदमत करवाना, अपना सामान यानी दूसरे का क्या उठाएं, अपना भी दूसरे से उठवाए, ओए चल मेरा भी उठा, इसलिए मैं तो अमीर हूँ मैं तो। ये एक यानी कि अमीर कौम का हाल ये हो गया कि अब वो जो है ना हुक्म चलाते हैं, लेकिन हज़रत उमर का हाल ये था कि वो खादिम। आप रातों में मदीना मुनव्वरा का गश्त लगाते थे, चक्कर लगाते थे, जिसकी जो ज़रूरतें होती थी वो पूरी फरमाते थे। वो बड़े मशहूर वाक़यात हैं जब हज़रत उमर फारूक ने खुद आपने लोगों की मदद फरमाई है। एक यानी कि एक औरत जो अपने बच्चों को यानी कि बच्चे रो रहे थे, औरत जो है चूल्हे पर हांडी रख कर उबाल रही थी और बच्चे रो रहे थे, ये बच्चों को दिलासा दे रही थी, तसल्ली दे रही थी, बेटा अभी हो जाएगा, थोड़ा रुक जाओ, अभी सब्र करो वगैरह वगैरह। हज़रत उमर फ़ारूक ने रोने की आवाज़ सुनी बच्चों के, गए और जाकर पूछा भाई क्या हाल है ना, क्या हाल है, क्यों रो रहे बच्चे। तो उस औरत ने कहा कि हमारा अमीर जो है ना, हाकिम जो हमारा खलीफा है उमर, उससे हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं है, उससे हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं और उनके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस क्या करूँ, कुछ है नहीं, लेकिन क्या करूं, इन्हें दिलासा दे रहा हूँ, तसल्ली। का ये हांडी में क्या है, क्या कुछ नहीं है, पत्थर डाल दिए, अंदर पत्थर डाले, पानी में पत्थर डालकर उबाल रही हूँ, इस तसल्ली में कि बच्चे ये सोचें कि हाँ खाना पक रहा है और ये इंतज़ार करते करते सो जाएं, इसलिए मैं उबाल रही हूँ, है ना। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आए, है ना, आपको नहीं पता था कि भाई ऐसा हाल में आप गए और जाकर, हज़रत असलम साथ में थे, आपके खादिम आपके साथ थे, आप गए और बैतुलमाल में जाकर सारा एक बोरा तैयार किया, सारा सामान तैयार किया, हज़रत असलम से कहा कि ये बोरा मेरी पीठ पर लाद दो। हज़रत असलम कहता है हुज़ूर मैं हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ। कहा नहीं मैं उठाऊँगा। आपने ख़ुद अपनी पुश्त पर उठाया, उठाकर ले गए, ले जाकर उसे दिया कि सारा सामान आप रखो, काम आएगा। उस वक्त आपने फ़ौरन बैठकर ख़ुद खाना पकाया, बच्चों के लिए खाना पकाया, पकाकर बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। वो औरत बड़ी दुआएं दे रही है कि हम यानी कि अजनबी लोग मुसाफिर थे, आपने बड़ी मदद की हमारी, अल्लाह आपको सलामत रखे और ख़लीफ़ा को भी तौफीक दे इस तरह के काम करने की। तो बाद में तो मैंने कहा कि जानती हूँ मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं मैं नहीं जानती, आप कौन हैं? तो बताया कि मैं ही खलीफा हूँ, मैं ही उमर हूँ, है ना। तो वो काम डर गई और ये उमर है, ये उमर है। तो कहा कि कोई बात नहीं, आइंदा भी जब भी ज़रूरत हो तब मुझसे कहना, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूंगा, आइंदा कभी तुम्हें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। यानी कि वैसे मांगने से पहले तुम्हारे घर सामान पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कभी कोई ज़रूरत आ भी जाए तो बिला झिझक आ जाना। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक अपने यानी कि शहर का चक्कर लगाया करते थे, लोगों की फरियाद रसी किया करते थे, लोगों का ख्याल रखा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अदल इंसाफ़ का मुज़ाहरा करते, लेकिन अहले बैत से बड़ी मोहब्बत थी तो वहाँ जो है थोड़ा सा फराख दिली से काम लेते। एक मरतबा मदाइन फ़तह हुआ, इराक़ का इलाका है मदाइन, वो फ़तह हुआ तो वहाँ से खूब सारा माल गनीमत यानी आया, तो आपने सब में तकसीम किया, सब सारे लोगों में तकसीम किया। तो आपने हसनैन करीमैन को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1,000 दिरहम दिए और अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर को 500 दिरहम दिए। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब देखा तो कहा कि अब्बा जान, मैं तो आपके साथ कई जंगों में शरीक हुआ हूँ, जबकि हसनैन तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो जंग में आए भी नहीं, और मैं तो आपके साथ जंगों में शरीक हुआ हूँ, आपके साथ मिलकर मैंने जंगें की है, लेकिन आपने माले गनीमत में से उन्हें हज़ार दिए, मेरे को 500 ही दिए, ऐसा क्यों, ये कम क्यों दिया? तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उमर फरमाते हैं, ए बेटा तू हसनैन जैसा नहीं है, तू हसनैन जैसा नहीं है, हाँ अगर तू हसनैन जैसा हो तो जा उसके बाप जैसा कोई बाप ले आ, उसके बाप अली जैसा कोई बाप ले आ, उसकी माँ फातिमा जैसी कोई माँ ले आ, है ना, उसके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई नाना ले आ, उसकी नानी खदीजा जैसी कोई नानी ले आ, है ना, और उसके मामू जाफर तैयार जैसा कोई मामू ले आ, तो फिर मैं तुझे भी दे दूँगा। पहले ऐसे रिश्तेदार तो ला, है ना, ये वो हसनैन जैसा तू नहीं है तो उन्हें तो ज़्यादा मिलेगा, तुझे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो और भी इस तरह के अहले बैत से मोहब्बत के बड़े वाक़यात हैं। आप हमेशा हसनैन करीमैन को तरजीह दिया करते थे अपने बेटे पर। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है हमेशा अहले बैत का ख्याल रखा, हज़रत हसनैन करीमैन का ख्याल रखा। कहने की बात यह है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में जो है ना बड़ी बहादुरी के साथ, जुरत व हिम्मत के साथ इराक़, मुल्क शाम, मुल्क ईरान, कैसर व किसरा, ये सारे आपके ज़माने में फ़तह हुए हैं। आपने फतूहात का दायरा इतना वसी किया कि यानी यहाँ बलूचिस्तान तक इस्लाम पहुँचा। आपके दौर में बलूचिस्तान तक यानी इस्लामी फ़ौज पहुँची और बलूचिस्तान का भी कई एक यानी के इलाके, उसका एक हिस्सा जो है वो हज़रत उमर के दौर में फतह हो गया था। 22,000 मुरब्बा मील, 22,000 स्क्वायर माइल्स पर आपकी हुकूमत थी और आपने बड़ी शानदार यानी कि हुकूमत फरमाई है। आपने, आपको सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहा गया। सबसे पहले आपने पुलिस का निज़ाम कायम किया। पुलिस का निज़ाम सबसे पहले दुनिया में आपने कायम किया। उससे पहले पुलिस नाम की चीज़ नहीं थी, आपने सबसे पहले पुलिस का निज़ाम कायम किया। फ़ौज की छावनियाँ, फ़ौजी कैंप्स की स्टार्टिंग भी आपने की है और फ़ौजियों का दफ्तर आपने यानी कि ऑफिस आपने कायम किए। इसी तरह से मस्जिद में लाइट यानी कि रोशनी का इंतज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर के दौर में हुआ। तो हज़रत उमर ने मस्जिदों में रोशनियों का इंतज़ाम किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है इस तरह के और भी बहुत से यानी कि वो नहरें खुदवाई हैं हज़रत उमर फ़ारूक ने। इसी तरह से आबपाशी यानी कि नहरों से फिर खेतों तक और बाग़ात तक पानी पहुँचाना, ये सारे काम भी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हुए हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बहुत से ऐसे काम हुए जो पहले नहीं हुआ करते थे हज़रत उमर फ़ारूक ने। अच्छा, फिर ये कि जितने भी हाकिम हैं यानी कि जो जो शहर में हाकिम बनाकर भेजे गए, जो सरदार बनाकर भेजे गए, जो गवर्नर हैं, तो उन सबको अपना यानी कि बायोडाटा पेश करना, अपनी मिल्कियत का यानी हिसाब किताब देना। उससे आजकल यानी आजकल भी होता है कि लोग जो है ना वो अपनी मिल्कियत जाहिर करते हैं यानी कि ऐलान करते हैं भाई मेरे पास इतनी मिल्कियत है। भाई चुनाव में खड़े होने से पहले वो बताना पड़ता है कि मेरे पास इतना माल है। तो इसी तरह हाकिमों को हर साल यानी उनकी मिल्कियत बतानी पड़ती थी ऐलानिया सबके सामने कि भाई अब मेरे पास इतना इतना माल है। तो अगर हिसाब किताब में लोचा भाई हर महीना तो आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना खर्च होता होगा, इतना बचा भी लेते होगे तो इतना ही होना चाहिए। भाई 50 है ना, 50 लाख थे, उससे 1000 करोड़ पर एक साल में पहुंच गया तो हिसाब दे, ऐसा पहुंचे कैसे, है ना। जैशा तो हिसाब नहीं देगा, लेकिन यहाँ हज़रत उमर हर एक से हिसाब ले लेते थे। हाँ कि भाई हिसाब दे के तू कैसे पहुँच गया इतना। तो यानी कि हर एक को अपनी मिल्कियत जाहिर करनी पड़ती थी कि भाई मेरी इतनी मिल्कियत है और ये मिल्कियत मैंने कहाँ से हासिल की, मेरे पास कहाँ से आई, वो बताना पड़ता था। तो ये निज़ाम भी हज़रत उमर फ़ारूक ने सबसे पहले कायम किया। और हाकिम या जज अगर गलत फ़ैसला करे तो उसे सज़ा देने का भी इंतज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक ने किया। तो इस तरह के बहुत से ऐसे काम थे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले किए। 23 हिजरी में आपको मुग़ीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मजूसी ग़ुलाम फ़िरोज़, जिसकी कुनियत अबू लुलू थी, अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी था, हज़रत मुग़ीरा इब्न शोबा का ग़ुलाम, उसने आपको शहीद कर दिया। नमाज फ़जर के लिए अभी आपने तकबीर ही कही थी, अल्लाहू अकबर, वो पहली सफ़ में पीछे ही खड़ा था, छुप कर आकर खड़ा हो गया था और जैसे आपने तकबीर कही, नमाज शुरू की, वैसे ही उसने आगे बढ़कर आप पर हमला किया और 6 वार उस हज़रत उमर पर किए हैं। आप जो है ना वो ज़ख्मी होकर गिरे हैं और आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे कर दिया कि तुम नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाई। वो यानी कि हज़रत उमर को शहीद करके यानी कि हमला करके वो भाग रहा था, तो उस भागने में उसने कई सहाबा को ज़ख्मी कर दिया और आखिर में जो है ना जब सहाबा ने उसको घेरा तो पकड़े जाने के खौफ से उसने खुद ही अपने आप को कत्ल कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली, तो वो भी वासिल जहन्नम हो गया। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, फिर आपको उठा कर ले जाया गया और आपका ज़ख्म इतना गहरा था, इतने 6-6 चाकू मारे गए थे, तो इतना कह रहा था कि आप जो है आपके ज़ख्म भर नहीं सके और एक मुहर्रम को आपकी शहादत हो गई, एक मुहर्रम को आप शहीद हुए। आपके बाद फिर हज़रत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। बहरहाल तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी जुर्रत हो, जवामर्दी के साथ और बड़ी शान व शौकत के साथ दुनिया में हुकूमत फरमाई और ऐसी हुकूमत फरमाई कि कैसर व किसरा भी और रोम ईरान और इराक़ के बड़े बड़े बादशाह भी आपका नाम सुनकर कांपते थे, सिर्फ आपका नाम सुनकर कांप जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर फारूक जैसी जुर्रत और हिम्मत हमें भी अता फरमाए, हमें भी वो शान व शौकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। शान व शौकत वाली ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि अच्छा लिबास पहनना, लिबास कैसा भी हो, लेकिन हम जो है ना हज़रत उमर फारूक जैसी जुर्रतमंदाना ज़िंदगी गुजारें, जैसा कि वो टीपू सुल्तान का एक यानी कि मक़ूला है, उनका एक यानी कि कौल है। आप फरमाते हैं, आएगा इंशाल्लाह टीपू सुल्तान पर भी एक सिलसिला हमारा होगा। तो टीपू सुल्तान का कहना है कि 100 साल की यानी कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, है ना। ये ऐसी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।